भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ये संस्था भारत की सबसे बड़ी मौद्रिक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों को छापती है। 1 रुपये के नोट को छापने और सिक्कों को बनाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है, बल्कि वित्त मंत्रालय के पास है। जबकि सभी नोटों और सिक्कों को बाजार में भेजने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। तो आइए अब आपको बताने का प्रयास करते हैं कि भारत में नोट बनने की पूरी प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी की जाती है। प्रथम चरण, साई मल्टन सेक्शन। नोटों की छपाई का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। ये टॉकीज के जितना बड़ा हॉल होता है, जो कि 2 भागों में बटा होता है। इस हॉल में 9 मशीनें हैं जो कि नोट का पिछला भाग और वाटर मार्क वाला भाग छापती है। यहाँ छपे नोट को सूखने में 2 दिन लगते हैं। इसी चरण में खराब नोट की सीटों को हटा दिया जाता है। दूसरा चरण, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं नोटों का दूसरा भाग छापा जाता है जो कि पहले परीक्षण में ठीक पाए जाते हैं। इस चरण में भी लगभग 9 मशीनें हैं जो कि धारक को वचन सहित अन्य कलर छापती हैं। यहाँ पर फिर नोटों को सूखने के बाद परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तीसरा चरण, इस चरण में नोटों पर नंबरिंग की जाती है, जिसमें 6 मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबरिंग के बाद नोटों की गिनती की जाती है। साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबरिंग में कुछ गलती हो गई हो। छापी गई नोट सीट के साथ रिकॉर्ड के लिए एक कागज भी अलग से रखा जाता है। इसमें नंबरिंग से संबंधित सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, जिन्हें संभाल कर रखा जाता है। चौथा चरण, जैसा कि हमने बताया है कि सारे नोट्स एक सीट्स पर छापे जाते हैं। इस चरण में इन सही सीटों को मशीनों की सहायता से काटा और 100 की संख्या में गड्डी बनाकर पैक किया जाता है। इस चरण में 4 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा चरण, ये बहुत ही अविश्वसनीय चरण है, जिसमें नंबरिंग के दौरान जिन सीटों में गलतियाँ पाई जाती हैं उन्हें यहाँ फिर से चेक किया जाता है और सीट के जिस नोट में गड़बड़ी है उस पर खड़िया यानी कि चाक से निशान लगाया जाता है। अब नोट की मैनुअल कटिंग करके पैकिंग के समय उस नंबर के नोट को तुरंत हटा लिया जाता है और उसके स्थान पर वही नंबर हाथ से लिखकर गड्डी को ओके करके पैक कर दिया जाता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम किया जाता है। छठवां चरण, अंतिम चरण के नोटों को कार्टून में भरकर RBI की निगरानी में भेज दिया जाता है, जो कि नोटों को वाणिज्यिक बैंकों तक पहुंचा देती है। देवास BNP के अंदर यानी कि यहीं से एक रेल लाइन से एक स्पेशल ट्रेन सेवा के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नोटों के कंटेनरों को गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि खराब छपे हुए नोटों का क्या किया जाता है। बता दें कि छपाई के दौरान जो शीटें खराब हो जाती हैं या जो नोट खराब छपते हैं उन्हें कारखाने के अंदर ही लगी हुई मशीन में डालकर काट दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारतीय मुद्रा को मुद्रित करने की शक्ति है, जबकि ज़्यादातर फैसलों को भारत सरकार के द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार ये तय करती है कि किस मूल्य वर्ग के कितने नोट छापे जाएंगे, नोटों का डिजाइन क्या होगा और उनमें कौन कौन से सुरक्षा मानक रखे जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी भारत में नए नोटों को छापे जाने की पूरी प्रक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत में इसी प्रकार से नोटों की छपाई की जाती है।